नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। शिवपुरी जिले की बदरवास पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज बदरवास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 82 ग्राम स्मैक के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उक्त आरोपी स्मैक को शिवपुरी और करेरा में खपाने की फिराक में थे। इस मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां पुलिस अब दोनों आरोपियों का पीआर मांग रही है, जिसके चलते इन आरोपियों के तार कहां जुड़े हैं यह पता लगाया जा सके। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया द्वारा अवैध मादक पदार्थ रखने व विक्रय करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु आदेशित किया है, जिसमें जीरो टॉलरेंस अपनाने के निर्देश दिए गए। उक्त आदेश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला शिवपुरी प्रवीण कुमार भूरिया के निर्देशन में एसडीओपी कुलरस विजय यादव के मार्गदर्शन में कल शाम थाना प्रभारी बदरवास सुरेश शर्मा को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि सोवरन सिंह पुत्र देवी सिंह रावत एवं धर्मेंद्र कुशवाहा पुत्र प्रीतम सिंह कुशवाहा निवासी गढ़ अमरोल थाना चिनौर जिला ग्वालियर के अवैध रूप से मादक पदार्थ स्मैक लेकर अपनी बिना नंबर की अपाचे मोटरसाइकिल से गुना तरफ अपने गांव चिनोर तरफ निकलने वाले हैं। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु ईश्वरी रेलवे पुल के पास फोर लाइन अंगारा मुंबई रोड पर उक्त व्यक्तियों के आने का इंतजार किया कि गुना तरफ से दो व्यक्ति बिना नंबर अपाचे मोटरसाइकिल लाल काले रंग से आते दिखे, जिन्हें घेर कर रोका। नाम पता पूछा तो मोटरसाइकिल चलाने वाले ने सोबरन रावत पुत्र देवी सिंह रावत उम्र 31 साल पीछे बैठने वाले व्यक्ति ने अपना नाम धर्मेंद्र कुशवाहा पुत्र प्रीत सिंह कुशवाहा उम्र 27 साल निवासी गण अगरोल थाना चित्तौर जिला ग्वालियर का होना बताया। उसकी जमा तलाशी ली तो सोवरंग के कब्जे से 82 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पूछताछ की तो दोनों व्यक्तियों ने बताया कि गुना तरफ से स्मैक खरीद कर लाते हैं और करीब 2 वर्ष से स्मैक का धंधा कर रहे हैं। ये एनडीपीएस के मामले में खासकर जो स्मैक है या नारकोटिक्स ड्रग्स है, इसका लगातार निर्देश दिए गए हैं, उस पर सख्त कार्रवाई हो। और इसी तारतम्य में ये 7वीं कार्रवाई है, अभी पिछले 20 दिनों के अंदर में 7वीं कार्रवाई है, जिसमें कि थाना बदरवास में अभी जो है लगभग 82 ग्राम स्मैक पकड़ा गया है, जिसकी बाजारी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है और इससे काफ़ी लोगों को ये पुड़िया बना के इसको सप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो है हैंडलर्स हैं इस मामले में, जिसमें कि दो व्यक्ति को, एक सोवरन सिंह और एक धर्मेंद्र कुशवाहा, दो व्यक्ति को ये जो है अपाची गाड़ी से यहाँ पे चिनोर थाने के क्षेत्र से यहाँ आ रहे थे, उनको पकड़ा गया है और यहाँ पे उस खिलाफ ये जब्त करके कार्रवाई की गई है, गाड़ी जब्त की गई है। इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं, जिससे इनको अभी थाना प्रभारी इसके रिकॉर्ड देख के इस पर प्रतिदात्मक कार्रवाई NSA वगैरह कार्रवाई भी करेंगे। और इसी तरह जो है मृत जो है NDPS के मामले में शक्ति पूरे जिले में है और सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं, जहाँ भी कोई ऐसे सूचना मिलती है किसी के माध्यम से, उसको गंभीरता से लें और उसमें एक्शन, तत्काल एक्शन लें। इनके माध्यम से कोई इस प्रकार की सूचना मिली हो, ये कहाँ से लेके आते हैं स्मैक के लिए? ये सोर्सेस अभी ये चिनोर क्षेत्र से अभी लाए हैं, इसको अभी हम और पूछताछ कर रहे हैं। चिनोर क्षेत्र से लाए थे अभी और यहाँ पे बेचने के लिए आए थे। ये एडिक्ट भी है क्या? ये कुछ एडिक्ट्स भी है, लेकिन ये मेनली ये जो हैंडलर्स धंधे करते हैं। शिवपुरी से खबर समय जगत के लिए सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।